हैदराबाद एनकाउंटर मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। जयपुर में मीडिया से रूबरू हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले में जो कुछ हुआ उसके बारे में स्थानीय पुलिस ही बता सकती है। गहलोत ने कहा कि देश में जिस तरह बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है वह चिंता का विषय है। एनकाउंटर किस रूप में हुआ तो वहाँ के पुलिस और वहाँ की सरकार बता सकती है, पर पूरे मुल्क में जो हालात बने हैं जिस रूप में रेप की घटनाएं बढ़ रही है वो चिंताजनक है। जिस रूप में वो कल लड़की को जला दिया जमन पे बाहर आते ही रेपिस्ट ने, वो बड़ी मार्मिक घटना, पूरा देश हिल जाता है ऐसी घटनाओं से। उस पर ध्यान देने का सकता है हर सरकारों को। टोंक में यह घटना हुई राजस्थान के अंदर, तो 12 घंटे में मुजरिम पकड़ा गया, रेपिस्ट पकड़ा गया। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश में हालात बेहद खराब हो गए हैं, मोदी सरकार की लापरवाही से आम जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ठीक कहा, चाहे आरबीआई ने कुछ कमेंट किए हैं अभी जीडीपी के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो विशेषज्ञ है इस बात के, वो कह चुके हैं कि आज जो जीडीपी घिरती जा रही है वो चिंता का विषय बन गया है। कहाँ तो 8% थी, 6 हुई 5 हुई 4.5 हो गई, वो आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं, उस पर संदेह है। इस सरकार के हर एक्टिविटी पर संदेह होता है क्योंकि काम ऐसे ही करते हैं लोग।